दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ नॉन इंग्लिश ओरिजिन, यानी नॉन इंग्लिश ओरिजिन वाले कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो हम डे टू डे अंग्रेजी में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, या डे टू डे इंग्लिश में हमें ऐसे एक्सप्रेशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो आज हम ऐसे एक्सप्रेशंस को जो इम्पॉर्टेंट है, नॉन इंग्लिश ओरिजिन के हैं, या तो ग्रीक के हैं, या फ्रेंच के हैं, या लैटिन अमेरिका के हैं, या गैर इंग्लिश उत्पत्ति वाले ऐसे शब्द या ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसकी हम आज बात करेंगे। तो पहला वर्ड है एडहॉक। एडहॉक या इंटरिम उसी को बोलते हैं। ये लैटिन ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है टेम्पोररी बेसिस पे। हमने कहा एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर आए हैं कॉलेज में, बट वो एडहॉक बेसिस पे है। या फिर ऐसा कहेंगे कि डीएवी में टीचर्स की जो बहाली हो रही है वो एडहॉक बेसिस पे हो रही है। या फिर हम कहेंगे ये ऑर्डर जो आया है सरकार का वो इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, यानी टेम्पोररी ऑर्डर है। तो इंटरिम या एडहॉक का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं अल्मा मेटर। अल्मा मेटर का मतलब है हमारा कॉलेज जहाँ से हमने पढ़ाई कंप्लीट किया है। अल्मा मेटर, ALMAMATER। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब है बिगनिंग एंड द एंड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का शुरुआत से लेकर अंत तक, फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्ट का मित्र, ऐसा आदमी जो कोर्ट के प्रति काफ़ी मित्रवत हो, यानी न्यायालय का न्याय मित्र कहें, या न्यायालय का मित्र कहें, या मित्रवत हो न्यायालय के लिए, उसको हम कहेंगे एमिकस क्यूरी। एंग्स्ट। एंग्स्ट का मतलब होता है मेंटल सफरिंग, यानी मानसिक रूप से हम जो दबाव झेलते हैं, प्रताड़ना झेलते हैं, जो सफरिंग रहता है हम लोगों का, उसको बोलते हैं एंग्स्ट, ANGST। ये सारे जो वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स वो सब नॉन इंग्लिश ओरिजिन के एक्सप्रेशंस हैं जो हमें डे टू डे कन्वर्सेशंस में, डे टू डे राइटिंग्स में देखने को मिलते हैं। एनो डोमिनी। AD आपने सुना होगा, एनो डोमिनी। ये वर्ड का मतलब है बर्थ ऑफ जीसस, यानी ईसा मसीह का जन्म, एनो डोमिनी। अपाचे। अपाचे मतलब एक रफियन आदमी, ऐसा जो रफ हो, रफ बिहेवियर वाला हो, और अब जो वुमेन के साथ, खासकर महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो। एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम। पोस्ट मॉर्टम मतलब डेथ के बाद जो एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी का कि कैसे मौत हुआ, पोस्टमार्टम हो गया। एंटीमार्टम मतलब बिफोर डेथ, बिफोर डेथ हमने उसके लिए क्या क्या किया, उसको बोलते हैं एंटीमार्टम एक्टिविटी। अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब है गोरे और कालों के बीच जो भेदभाव होता था, खासकर साउथ अफ्रीका में या अमेरिका में भी, उसको बोलेंगे अपार्थीड, यानी रंगभेद की दुर्भावना, फीलिंग ब्लैक वाइट डिविजन इन साउथ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। एक और एक्सप्रेशन है बिटे नोयरे। बिटे नोयरे मतलब होता है अ पर्सन या थिंग जिसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। नेक्स्ट है बॉनजोर। बॉनजोर फ्रेंच एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है गुड मॉर्निंग या गुड डे, बॉनजोर। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को मिलते समय ग्रीट करते हैं, तो फ्रेंच लोग आपस में जो ग्रीट करते हैं तो बॉनजोर बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है बॉनहोमी। बॉनहोमी का मतलब है गुड नेचर या एक गुड ह्यूमर के साथ एक आदमी हो, तो बोलेंगे आई हैव गुड बॉनहोमी विथ हिम, बॉनहोमी। बुलवर्ड पढ़ेंगे बुलवर्ड और लिखेंगे BOULEVARD। अब मान लीजिए किसी रोड से गुजर रहे हो और दोनों तरफ एकदम हरे भरे पेड़ हो, पत्तों से लदे हुए, तो उसको हम कहेंगे बुलवर्ड। बुलवर्ड मतलब ब्रॉड स्ट्रीट फुल ऑफ शेडी ट्रीज ऑन बोथ साइड्स। बोनांजा। बोनांजा का मतलब है अचानक से कुछ लॉटरी लग गई, सडन अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आ गया, उसको बोलेंगे बोनांजा। एक और वर्ड है ब्रोहाहा, यानी एक ऐसा ग्रेट एक्साइटमेंट जिसके बारे में मतलब हमें वो चैन से नहीं रहने दे रहा हूँ, तो ब्रोहाहा, BROUHAHA। एक और वर्ड है जो काफ़ी हमने फिल्मों में भी सुना होगा और डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउंस, उसको जो लिखते हैं वो CHUTZPAH है, पढ़ते हैं उसको सुत्सपा या कुत्सपा। दिस वर्ड मीन्स हैविंग एरोगेंस, ऑडेसिटी और नर्व विथ अ बिट ऑफ ह्यूमर, यानी दिस एज अ, इसका मतलब है, इस वर्ड का मतलब है हैविंग एरोगेंस, नर्व विथ अ बिट ऑफ ह्यूमर।
इट इज एजम्पशन ऑफ पर्टिकुलरली आउटरेजियस एंड जनरली ह्यूमरस। जैसे अगर कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जॉन वॉज वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉज हार्ड वर्किंग टैलेंटेड एंड हैड अ लॉट ऑफ सुत्सपा। डी फैक्टो मतलब इन रियलिटी, ऐसा कहेंगे कि राजा भले ही धृतराष्ट्र थे बट डी फैक्टो जो था वो दुर्योधन था, यानी दुर्योधन की बात मानी जाती थी डी फैक्टो। उसी तरह से जब अकबर शासन में आया 14 साल या 13 साल की उम्र में, तो बैरम खान डी फैक्टो रूलर थे, अकबर नाम के बादशाह थे, उसी तरह से डी फैक्टो समझ गया। डी ज्योर का मतलब होता है फ्रॉम द लॉ और बाय राइट। डी ज्योर यानी नेचुरली बाय राइट, अधिकारवश, अधिकार स्वरूप, ये उसी का होगा, तो डी ज्योर का यूज करेंगे। डेजावू कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जो आप अभी सोच रहे हैं या जो अभी आपके साथ घटित हो रहा है वो पहले भी एक दो बार घटित हो चुका है, उसको बोलेंगे अरे तुमको डेजावू हो गया है। एक इल्यूजन है, एक भ्रम है ऑफ समथिंग विच प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड बाई यू। एक इल्यूजन ऑफ समथिंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड। उसी तरह से एन रूट का मतलब होता है ऑन द वे। अगर आप मान लीजिए कहीं पटना जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो ऑन द वे आपको कोई जो शहर पड़ेगा तो कहेंगे एन रूट में ही इलाहाबाद आता है, आप वहीं से अमरूद भी लेते आएंगे, तो एन रूट हो गया, ENROUTE। एक एक्सप्रेशन है एट टू ब्रूट। अगर मान लीजिए हमारा कोई दोस्त हमारे साथ धोखा करता है तो हम उसको कहेंगे एट टू ब्रूट, यानी तुम भी इन्वॉल्व थे उसमें, तो एट टू ब्रूट। एक्चुअली एट टू ब्रूट जो है ना, वह है जूलियस सीजर ने अपने मित्र ब्रूटस को कहा था जब ब्रूटस और उसके मित्रों ने जूलियस सीजर को धोखा देकर उसके कमर में चाकू मार दिया था, और जब वो घूम कर देखा तो उसने देखा कि उसके दोस्त ही खड़े हैं, और दोस्त में सबसे खास दोस्त ब्रूटस था, और ब्रूटस को उसने कहा एट टू ब्रूट, तुम भी थे, तुम भी हो इसमें, तुम भी मेरे मर्डर में शामिल हो, तो एट टू ब्रूट आप समझ गए होंगे। यूरेका एक्चुअली यूरेका वर्ड का ओरिजिन के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। हुआ यह कि प्राचीन यूनान में यानी ग्रीस में आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे, वो कुछ आइडिया पे काम कर रहे थे, कुछ सॉल्यूशन अपने दिमाग में सोच रहे थे और नहा रहे थे, और अचानक से उनको आइडिया जब वो आ गया तो उसी में यूरेका यूरेका कहते हुए दौड़ने लगे। तो यूरेका का मतलब होता है मिल गया आइडिया, मिल गया, आई हैव फाउंड इट, यूरेका। नेक्स्ट वर्ड है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय ऑनर, यानी कि हम कहेंगे कि बाय ऑनर आप इस घर के मालिक हैं, भले वो मालिक नहीं हो बट बाय ऑनर, बाय वर्चू ऑफ दिस ऑफिस। तो जैसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये हो गया। फॉक्स पास, सोशल ब्लंडर लिटरली अ फॉल्स स्टेप। कोई अगर भयंकर रूप से कोई सोशल ब्लंडर हो गया, सोशली वो गलत स्टेप ले लिया गया, तो उसको बोलेंगे फॉक्स पास। एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका मतलब है EG, देखते होंगे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसको बोलते हैं EG, यानी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेशिया। फियास्को, फियास्को का मतलब होता है एक फेलियर, टोटल ब्रेकडाउन, शेमफुली इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में एकदम बहुत ही शर्मनाक हो जाए, उसको बोलेंगे इट वॉज अ फियास्को। ग्रैफिटी, ग्रैफिटी का मतलब है वॉल पे अगर हम कुछ स्क्रैच करके कुछ बना देते हैं, तस्वीर या कोई आकृति, तो उसको कहते हैं ग्रैफिटी। हाराकिरी मतलब होता है मास सुइसाइड, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों ने अगर जौहर, जो जो आपको राजस्थान में महिलाएं जौहर की कर लिया करती थी, जिसमें वो आग में कूद जाया करती थी किसी दुश्मन के अटैक होने के बाद अपनी इज्जत आवरू बचाने के लिए, उसी तरह से जापान में जो समुराई होते थे, जो बहादुर योद्धा होते थे, अगर उनको वे हार जाते थे तो वो हाराकिरी कर लेते थे, यानी मास सुसाइड कर लेते थे, ताकि उनको जो मौत भी मिले उनको वो ऑनरेबल अल्टरनेटिव के रूप में हो, तो ये हो गया हाराकिरी। नेक्स्ट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आपको व्यक्तिगत रूप से फिजिकल लिबर्टी का पूरा हक है, यानी राइट टू पर्सनल फिजिकल लिबर्टी, हैबियस कॉर्पस। इम्पासी, इम्पासी का मतलब होता है डेडलॉक, या कुछ इशू हो किसी मैटर के ऊपर, मामला फंसा हुआ हो तो कहेंगे देर इज एन इम्पासी ओवर दिस मैटर। एंटर आलिया अमंग अदर थिंग्स, एंटर आलिया का मतलब अमंग अदर थिंग्स।
मैग्नम ओपस, मान लीजिए किसी भी प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने फिल्म बनाया और वो भयानक रूप से हिट हो गया, बहुत ही अच्छा हिट हो गया, तो कहेंगे ग्रेट वर्क या अचीवमेंट, या हम कहेंगे पाथेर पांचाली वाज इंडीड अ मैग्नम ओपस ऑफ सत्यजीत रॉय। उसी तरह से नेक्स्ट है लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब होता है नो इंटरफेरेंस, यानी मान लीजिए कोई कंट्री है जो जिसकी जिसका गवर्नमेंट पूरा इकोनॉमी को वहाँ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी ज़रूरत नहीं है कंट्रोल करने की, तो उसने क्या किया, लिबरलाइजेशन कर दिया, यानी उदारीकरण कर दिया, यानी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है। तो हम कहेंगे जो प्रैक्टिस है ना यहाँ पे, वो प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक लेसेज फेयर की है, यानी प्रैक्टिस जो है वो नो इंटरफेरेंस की है, लेसेज फेयर। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है क्राइम करने का एक अलग तरीका। तो बोलेंगे कि हर एक अपराधी के क्राइम करने का पैटर्न अलग अलग होता है, जो पैटर्न है क्राइम करने का उसी को कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, यानी ऑपरेशन, यानी कोई काम को अंजाम देने का मोडस, यानी मोड। ओके, एक और वर्ड है म्यूल्यू, स्पेलिंग है MILIEU, पढ़ते हैं उसको म्यूल्यू। इन्वायरमेंट इन विच एक्शन टेक प्लेस, ऐसा वातावरण जहाँ पे कोई कार्य संपन्न होता हो उसको बोल देंगे म्यूल्यू, आलम, वातावरण ऐसा। पापाराजी, जो सेलिब्रिटीज के पीछे जो फोटोग्राफर्स भागते हैं, सेलिब्रिटीज का फोटो क्लिक करने के लिए पीछा करते हैं, उसको बोलते हैं पापाराजी, PAPARZZI। पार एक्सेलेंस, पार एक्सेलेंस का मतलब होता है एकदम बेस्ट, बेस्ट से भी बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट, पार एक्सेलेंस। अगला है पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी एक नॉन वेलकम पर्सन है जिसको हम कोई कोई नहीं चाहता है कि ये यहाँ पहुँचे, तो उसको बोलेंगे, उस टाइप के आदमी को बोलेंगे पर्सोना नॉन ग्राटा। प्राइमा फैसी, प्राइमा फैसी मतलब प्रथम दृष्टतया, यानी प्राइमा फैसी वही अपराधी दिख रहा है, इस अगर कोई मर्डर हुआ है या कोई क्राइम हुआ है, कोई क्राइम सीन है, तो हम कहेंगे प्राइमा फैसी तो इसकी बहन ही लग रही है कि इसी ने कुछ क्राइम किया है, अपेरेंटली जिसको बोलते हैं, ऐसा प्रथम दृष्टतया प्रतीत होता है, इसको बोलेंगे प्राइमा फैसी, यू वी कैन कंक्लूड दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम। प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा का मतलब होता है बनाना, तस्वीर बनाना या कोई चीज का ढांचा तैयार करना, प्रोफॉर्मा। क्विड प्रो को, क्विड प्रो को का मतलब होता है अ फेयर एक्सचेंज, यानी हेल्पिंग या बेनिफिटिंग ईच अदर इन पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड, उसको बोलेंगे क्विड प्रो को, मेरा तुम पिट खुजाओ मैं तुम्हारा पिट खुजाऊंगा, एक सही एक्सचेंज है, तुम मेरा काम कर दो मैं आपका काम कर दूंगा, क्विड प्रो को। रेंजवू, स्पेलिंग देखिए रेंजवू पढ़ते हैं उसको, और स्पेलिंग है RENDEZVOUS, पढ़ते हैं उसको रेंजवू। रेंजवू का मतलब है अ क्लोज मीटिंग विथ समवन। नेक्स्ट है सेंस, सेंस का मतलब होता है विदाउट। एक शेक्सपियर का पोएम है सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ, उसमें सेंस का यूज़ किया हुआ उन्होंने काफ़ी किया है, बट वो सेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ के बगैर, कोई चीज़ अगर लूज करते जाए धीरे धीरे तो कहेंगे उसमें हम सेंस का यूज़ करें। सेंक्टम सेंक्टोरम, सेंक्टम सेंक्टोरम का मतलब है कि एक कोई मंदिर है और उसमें जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे हम अंदर में घुस के काफ़ी पवित्रता के साथ पूजा करते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग अलाउ होते हैं जाना, उसको बोलते हैं सेंक्टम सेंक्टोरम, एक रिलीजियस टर्म है। होलीएस्ट ऑफ द होली प्लेस, वेयर नो वन इज अलाउड टू गो। नेक्स्ट है विया वेरिटास वीटा, विया वेरिटास वीटा, द वे द ट्रुथ द लाइफ, ये एक तरीके का फिलोसॉफिकल वर्ड है, विया वेरिटास वीटा, द वे द ट्रुथ द लाइफ। ये और एक बहुत इंटरेस्टिंग है वेनी विडी विसी, आई केम आई सॉ आई कंकर्ड, या ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड, वो आया उसने जायजा लिया और उसने जीत लिया, विजयी हुआ। सुओ मोटू या सुओ मोटो ऑन हिज ओन,
यानी स्वतः स्वतः कोई संज्ञान में लेता है कोई चीज़, या स्वतः कोई चीज़ अपने नॉलेज में लेता है कोई काम कोर्ट ने, तो कहेंगे कोर्ट ने इस मैटर को सुओ मोटो लिया है, यानी स्वतः संज्ञान में लिया है, यानी खुद ही ऑब्जर्व किया है और उस पर कॉमेंट किया है, या उस अथॉरिटी को उसने समन जारी किया है कि आप देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सुओ मोटो, यानी स्वतः संज्ञान। वाइस वर्षा, वाइस वर्षा का मतलब होता है इंटरचेंज। नेक्स्ट है वर्ल्ड फेस या यू टर्न, रिवर्सल ऑफ अर्लियर पोजीशन, किसी का पोजीशन, किसी ने कोई स्टैंड लिया है कि हाँ मैं ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, लेकिन अगर वह एकदम बिल्कुल पलटी मार गया तो उसको कहेंगे यू टर्न ले लिया या वर्ल्ड फेस, VOLTFSE। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी एक्सप्रेशन कवर किए हैं, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।